गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कॉम्पैक्शन। आज हम लोग कॉम्पैक्शन से डील करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूँ इसकी वेटेज की, तो कहीं ना कहीं आप जेई के पेपर में देखोगे, या गेट का पेपर देखोगे, या आप SSC जेई का पेपर देखोगे, या आप IAS का पेपर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि फॉर सिविल इंजीनियर्स कॉम्पैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना कॉम्पैक्शन के आप कोई भी रोड नहीं बना सकते, या कोई हाईवे होता है, या कोई रेलवे ट्रैक होता है, तो वहाँ पे कॉम्पैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या आप कोई फाउंडेशन बनाते हो, वहाँ पे भी आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर हम देखें अपने सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है। तो मतलब सिविल इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्शन में, जब भी हम कोई काम करते हैं, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, कुछ भी करना है, तो कॉम्पैक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे अभी डील करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, तो प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में ज्यादातर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल रहते हैं। मतलब अभी तक जो SSC जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये थ्योरेटिकल पूछ लेता है कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। उसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करते हैं, मतलब हम कॉम्पैक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें उसमें मिला सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव द कॉम्पैक्शन, ये प्रोसेस को वहां पे डील करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, तो उस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्पैक्शन में मान लिया कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपने कॉम्पैक्शन किया, उसका वेट कितना था, उसकी हाइट कितनी थी, मोल्ड का साइज क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका फील्ड पे हाईवे में बहुत ज्यादा यूज होता है। डिफरेंट टाइप के हम लोग रोलर्स पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेटरी होता है, पिनोमेटिक होता है, नीडिंग एक्शन होता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और SSC में आप देखोगे इसका काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और IAS में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, गेट में भी इसका न्यूमेरिकल अभी तक पूछा गया 2-3 बार है, तो हम लोग डील करेंगे उसके न्यूमेरिकल के साथ साथ में, प्लस न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होगा, जो कि बेसिक चैप्टर आप पहले से डील कर चुके हो, जैसे गामा सेचुरेशन, गामा ड्राई डेंसिटी, ये सब के बारे में फिर से यहां पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पैक्शन है क्या। देखिए, कॉम्पैक्शन कुछ भी नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टू डेंसिफाई द सॉइल, सॉइल को डेंसिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इन द सेंस कि आप किसी भी रैमर से आप उसको क्या करें, कॉम्पैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। तो उसमें डेंसिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ रोलर बाई एक्शन ऑफ नीडिंग एक्शन होता है, ठीक है, टेम्परिंग एक्शन होता है, उससे हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द प्रोसेस द डेंसिफाई। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो दिस इज द डेंसिफाई, डेंसिफाई द सॉइल बाय मैकेनिकल। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ क्या कर रहे हो, रैमर की हेल्प से आप इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो, या रोलर भी हो सकता है। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यह होता है कि किसी भी हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी MGH काम करती है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब बात करते हैं बाय मीन्स ऑफ टेम्पिंग, सॉरी यहां पे टेम्परिंग आप लिख लीजिए, टेम्पिंग नहीं होता, दिस इज टेम्परिंग, टेम्परिंग एक्शन, टेम्परिंग का मतलब होता है इस तरीके से टेम्परिंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग। उसके बाद में नीडिंग एक्शन, उसके अलावा नीडिंग एक्शन कॉमा रोलिंग, रोलिंग वाइब्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि नीडिंग एक्शन हम लोग भी करते हैं, जैसे इसको जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि मान लिया कि आपके कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका आपका जो मतलब ऐसा प्लेस होता है जहां पे कॉम्पैक्शन करना टिपिकल होता है, तो वहां पे नीडिंग एक्शन के हेल्प से भी हम लोग वहां पे काम कर लेते हैं। नीडिंग एक्शन में क्या होता है कि मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट होता है उसकी थिकनेस थोड़ा सा कम होती है, तो उसको इस तरीके से करते हैं ताकि वहां पे जो भी वाइड्स वो फिल हो जाए। बाकी सबके बारे में हम डिटेल में डील भी करेंगे। तो नीडिंग एक्शन ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में मिल सकता है नीडिंग एक्शन, रोलिंग एंड वाइब्रेशन, इनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कॉम्पैक्शन। तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा क्वेश्चन कि रोलिंग भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, नीडिंग एक्शन भी होगा, टेम्परिंग भी होगा, तो सबकी हेल्प से कॉम्पैक्शन हो सकता है। अब ये रोलिंग कहाँ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हाईवे बनता है या कोई रोड बनती है तो वहां पे सॉइल के ऊपर रोलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोलर। डिफरेंट टाइप के रोलर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप के लिए किस
किस टाइप की सॉइल के लिए कौन सा रोलर की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लोग आगे डील करेंगे चैप्टर में, अभी हम तो शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद वाइब्रेशन, ज्यादातर जो वाइब्रेशन होता है, मान ले कहीं कहीं क्या होता है कॉम्पैक्शन करना टिपिकल होता है, तो उस केस में वाइब्रेटर यूज करते हैं। वाइब्रेटर का मतलब है कि उसमें जो भी फिलिंग कर देते हैं सॉइल को है, और बाहर से वाइब्रेटर लगा करके उसको वाइब्रेट करा देते हैं। वाइब्रेट कराने से क्या होता है कि वहां पर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं अपनी जगह जगह पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और डेंसीफाई हो जाते हैं। ज्यादातर वाइब्रेटर यूज किया जाता है इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल में, और जो कि आपका सैंड होता है। तो कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि सैंड के केस में क्या यूज करोगे, तो सैंड के केस में वाइब्रेटर यूज करोगे, जिसकी हेल्प से, क्योंकि सैंड का पार्टिकल अलग अलग होता है, वाइब्रेटर यूज करने से वो एक दूसरे से डेंसिफाई आसानी से हो सकता है, क्ले के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए वाइब्रेटर किसके केस में यूज करोगे, सैंड के केस में। दूसरी बात करते हैं, कंपैक्शन इज अचीव बाई अप्लाइंग स्टैटिक और डायनेमिक लोडिंग टू द सॉइल बाई रिमूवल ऑफ एयर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप ऐसा कॉम्पैक्शन कर रहे हो। स्टैटिक का मतलब है आपने लोड लगा दिया, डायनामिक का मतलब है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे रोलर है डायनामिक हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीडिंग टू द सॉइल, तो यहां पर लोडिंग टू द सॉइल बाय रिमूवल ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्पैक्शन में हमारा मेन जो पर्पज होता है, जो भी वहां पे वाइट्स होते हैं, वाइट्स के अंदर जो भी हमारा एयर फंसा हुआ होता है, हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कॉम्पैक्शन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ टू रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द वाइट्स विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो आपको एग्जाम में आ जाएगा कॉम्पैक्शन में क्या रिमूव करते हैं, कॉम्पैक्शन में एयर रिमूव करते हैं। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस डायग्राम से समझते हैं, एक फेज डायग्राम मैंने बनाया और यहां पे चीजों को हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सॉलिड, दिस इज द वाटर, दिस इज द एयर। सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको नीचे बनाते हैं, उसके बाद डेंसिटी वाटर की होती है और सबसे कम डेंसिटी एयर की होती है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको एक लेयर फॉर्म में बना दिया। फिर हम कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन का मतलब विद द हेल्प ऑफ सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ऑटो टेम्परिंग, नीडिंग एक्शन, रोलिंग, वाइब्रेशन, कुछ भी हो सकता है, सारे प्रोसेस यहाँ पे कोई एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि जो भी ये वैल्यूम आपको दिखाई पड़ रहा है एयर का, ये आप देखोगे कि इसमें रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर होता है। तो प्लस आप यहां पे देख सकते हो कि एयर आपकी क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन आप कभी भी 100% एयर रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा पार्ट मैंने ये वाला एयर का दिखाया, जो कि ये पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप 100% रिमूव एयर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एयर तो उसमें रहनी है। आप 100% तो कभी भी कॉम्पैक्शन अचीव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ परसेंट तो एयर रह जाती है। क्यों रह जाती है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज द सॉलिड, दिस इज द वाटर, दिस इज द एयर। सॉलिड के वैल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही आपका वैल्यूम क्या रहेगा। सपोज दैट दिस इज द वीएस, तो आप बाद में भी देखोगे तो इसका क्या रहेगा, वैल्यू वीएस ही रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो चेंज होगा, तो ये आप देखोगे दिस द एयर का अगर वैल्यूम होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये यहां पे बहुत कम बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिस द कॉम्पैक्शन प्रोसेस। अगर मैं मॉलिक्यूल लेवल पे देखूं, छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में देखूं, ये तो मैंने फेज डायग्राम से बताया। दूसरा मैं बात कर सकता हूं कि जैसे कि यहां पे एक सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल के बीच में ये सॉलिड्स हैं, एसएस से जो लिखा गया है। उसके अलावा यहां पे आप देखोगे कि बीच में एयर भी है, वाटर भी है। जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे, कॉम्पैक्शन का मतलब यहां पे मैंने एनर्जी प्लस वाटर, कॉम्पैक्शन करते समय कई बार हमको क्या है, वाटर का छिड़काव भी करना पड़ता है, ताकि उसकी डेंसिटी को ज्यादा हम लोग अचीव कर सके। तो ये बताएंगे क्यों वाटर ऐड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डील अभी करेंगे। तो एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वाटर की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां पे एनर्जी प्लस वाटर मिला करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को डेंसिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी। अब यहां पे क्या होता है कि जो भी इसके बीच में एयर रहती है, वो एयर क्या होती है, रिमूव हो जाती है। जब एयर रिमूव हो जाएगी तो पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजर आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये पार्टिकल जो एस वाले आप देख रहे हो, ये पार्टिकल कहां आ गए, बहुत क्लोजर आ गए। जब क्लोजर आ गए, पहले आप देखिए इनके बीच में जो वाइड था वो भी बहुत ज्यादा था, पहले आप देखिए इनके बीच में वाइड्स बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ये डेंसिफाई हो गए, मतलब इनकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, एक बहुत ही क्लोजर आ गए, इनके बीच से एयर निकल गई, तो ये बहुत ज्यादा डेंसिफाई हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा डेंसिफाई हो जाएंगी तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, मतलब इस कॉम्पैक्शन से हमको क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में डील कर देंगे।
तो यहां पे आप देखोगे कि एयर का रिमूवल हो जाता है। एक नोट पॉइंट करके मैंने लिखा है, कॉम्पैक्शन इज मेजर्ड क्वालिटेटिवली इन टर्म ऑफ ड्राई डेंसिटी। जो हम लोग बात करेंगे मतलब कॉम्पैक्शन को हम लोग ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में उसकी बात करेंगे, मतलब जो भी मेरा मुख्य मुद्दा यहां पे है वो हम ड्राई डेंसिटी से बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, नॉट क्वांटिटेटिव, इस चीज का आपको ध्यान देना है। दिस इज द क्वालिटेटिव और किसके टर्म में, ड्राई डेंसिटी के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डील किया। तो आई होप की चीजें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी आई है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो फिर मैं अगले लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के कौन कौन से फायदे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसीलिए तो हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, किसके कुछ फायदे होते हैं इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए कॉम्पैक्शन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है कॉम्पैक्शन में, खास बात यह होती है, सबसे पहला पॉइंट की बात करूं, सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस। जो सॉइल सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होता क्यों है, क्योंकि मान लिया जो भी उसके बीच में एयर रहती है जब भी कोई लोडिंग आती है तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। जब वॉल्यूम में चेंज होता है तभी उसका क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम में रिडक्शन। पहले मान लिया सॉइल का वॉल्यूम इतना था और उसके बाद में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस आर प्रिवेंटेड, या तो आप रिड्यूस कर सकते हो या उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, ये काम करते हैं। आर रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसकी डेंसिटी में चेंज होना। आपने एफएम में भी पढ़ा होगा कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस एक दूसरे से क्या होते थे, रेसिप्रोकल होते थे। कंप्रेसिबिलिटी में वहां पे क्या पढ़ते थे आप, जैसे कि वहां पे कोई प्रेशर अप्लाई करते थे फिर देखते थे कि उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी कैन बी इंप्रूव। अब ये सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बियरिंग का मतलब होता है सहने की क्षमता। तो सॉइल की वो कैपेसिटी जिससे कि वो सेटलमेंट में और सियर फेल्योर सॉइल का ना हो, दैट इज कॉल्ड सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि ये कि अप्लाइड लोड से उसकी स्ट्रेंथ जो रजिस्टिंग हो ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ का नथिंग बट इट इज द रजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, बस इतना ध्यान रखो। और बियरिंग कैपेसिटी के बारे में हम लोग फाउंडेशन चैप्टर में, सैलो फाउंडेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज। स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जैसे सॉइल आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल का कटाव होता है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर रखा है तो आप देखोगे कि उसका इरोजन नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा कई बार रोड्स होती है, हाईवेज होते हैं, आपने देखा होगा कि बरसात के समय में रोड कहीं ना कहीं कट जाती है। ऐसा इसलिए होता है या तो फ्लड बहुत ज्यादा आ जाती है या आपने सही से कॉम्पैक्शन नहीं किया है, और कॉम्पैक्शन अगर आप सही से नहीं करोगे तो रोड के अंदर क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सही से कॉम्पैक्शन किया होगा तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी आएगी, रोड का कटाव नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पैक्शन पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बात करें लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पेमेंट सबग्रेड कैन बी इंप्रूव्ड। अब इसका मतलब यह हुआ, जब हाईवे आपने पढ़ा होगा तो हाईवे में आप सबग्रेड यूज करते हो। सबग्रेड का मतलब यह होता है कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, चार पांच लेयरें होती हैं वहां पे, ठीक है, सरफेस पे होती है, सब कोर्स होती है, बेस कोर्स होता है, सॉइल सबग्रेड होता है। तो सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सॉइल सबग्रेड। अब उसका कॉम्पैक्शन बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको गलती से भी कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया तो आप देखोगे कि रोड का फेल्योर होना तय है। कहीं ना कहीं रोड देखते होगे कि आप सेटल कर जाती है, तो इसलिए रोड में आपने देखा होगा कई बार अगर सही से कॉम्पैक्शन नहीं होता है तो रोड कहीं ना कहीं धस जाती है, एक साइड में, इधर साइड में, उधर साइड में, आगे के साइड, पीछे साइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पेमेंट बढ़ जाती है। तो हाईवे आप जब भी बनाए जाते हैं तो कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि उस पर हैवी ट्रक्स गुजरते हैं, मालगाड़ी मतलब माल बहुत ज्यादा निकलता है, 600 टन कितने टन मतलब ऐसे करके ट्रक निकलता है, तो उस पर लोडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए सॉइल सबग्रेड का मतलब यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड कैन बी इंप्रूव, इसलिए हम लोग इसे करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें
स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस। अब इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में आगे बात होगी, अभी के लिए ये जानो कि जब आप उसका कॉम्पैक्शन कर देते हो, पहली बात तो उसमें आपने क्या किया, एयर को रिमूव कर दिया। जब एयर रिमूव कर दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपने क्या किया, वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया। तो वॉल्यूम को जब आप रिड्यूस करते हो तो स्वेलिंग तो नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं और श्रिंकेज को रिड्यूस करते हैं। तो आपने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, डेंसीफाई कर दिया। जब डेंसीफाई आप कर दोगे तो बाहर से मॉइस्चर भी इजिली इसमें इंटर नहीं कर पाएगी। जब मॉइस्चर बाहर से इजिली इंटर नहीं कर पाएगी तो आप देखोगे इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सॉइल डेंसिटी कैन बी इंक्रीजेस। कॉम्पैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की डेंसिटी क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। क्योंकि डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, देखो यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, दिस इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब आपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया तो डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पे वॉल्यूम ज्यादा था, यहां पे वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, परमेबिलिटी कैन बी रिड्यूसेस। कॉम्पैक्शन करने से परमेबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो इनके बीच में, देखो पहले वाइड्स ज्यादा थे, जब वाइड बहुत बड़ा रहेगा तो पानी पास करना आसान होगा उससे, लेकिन यही वाइड जब ज्यादा छोटा हो जाएगा तो पानी इससे पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टी परमेबिलिटी होती है, इसमें यह प्रॉपर्टी होती है कि वाटर कैन फ्लो थ्रू इजली विद सॉइल, मतलब सॉइल से कितनी आसानी से पानी पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी यहां पे जो है बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वाइड का जो साइज है वो छोटा हो गया, बट यहां पे तो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता था, तो परमेबिलिटी कैन बी रिड्यूसेस। तो आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है कि ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जीरो तो नहीं होती लेकिन रिड्यूस हो जाती है। लिक्विफैक्शन टेंडेंसी कैन बी रिड्यूसेस। लिक्विफैक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, लिक्विफैक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे जब आएगा। लिक्विफैक्शन एक्चुअली रिलेट करता है डायनामिक लोडिंग या अर्थक्वेक से। तो वहां पे बहुत ज्यादा पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो जाता है किसी भी फाउंडेशन में, जहां पे कोई सैचुरेटेड फाइन सॉइल होती है, फाइन सैंड होती है, तो वहां पे ऐसा ज्यादा होता है। तो फाइन सैंड के केस में लिक्विफैक्शन ज्यादा होता है। लिक्विफैक्शन नथिंग बट व्हेन द डायनामिक या सेस्मिक एक्टिविटी, कोई डायनामिक एक्टिविटी या सेस्मिक या अर्थक्वेक आता है तो उसमें बहुत ज्यादा उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको लिक्विफैक्शन को भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे अगर लिक्विफैक्शन में क्या होता है, पानी सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू। तो वहां पे एक खास बात ये है कि अगर आपने अच्छे से कॉम्पैक्शन किया होगा तो जाहिर सी बात है परमेबिलिटी कम हो गई होगी। जब परमेबिलिटी कम हो जाएगी तो पानी ऊपर आएगा ही नहीं, तो इसलिए क्या है, लिक्विफैक्शन को भी क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। और लिक्विफैक्शन हम लोग डील करेंगे, बस मैंने आपको एक नाम बता दिया, लिक्विफैक्शन में अर्थक्वेक या डायनामिक या सेस्मिक एक्टिविटी होती है, तो ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो लिक्विफैक्शन कर ले जाओगे। बाकी अभी हम लोग लिक्विफैक्शन को भी पढ़ेंगे, जब मतलब परमेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमने यहां पे देखा, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छे से क्लियर होंगी। ये सब ध्यान रखिए, सेमेस्टर में भी लिख सकते हो, कंपटीशन में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट नोट करना है, अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। बिना नोट्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब भूल जाता है, और बार बार वीडियो भी नहीं देख सकते क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। इसलिए एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ, धैर्य बना, मतलब आपको लगेगा नहीं, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन एक बार अगर आपके नोट्स बन जाएंगे तो वो आपको हमेशा जिंदगी भर काम करेंगे। इसलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स जरूर बनाएं, अच्छे से उसको लिखें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन में आप देख रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना, आपने अपने आंखों से भी देखा कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, घर में भी बिल्डिंग बनाते हैं तब भी आप कॉम्पैक्शन करते हो, जब भी आप फाउंडेशन करते हो तो विद द हेल्प ऑफ राइमर वगैरह आप देखो कि उसके थ्रू आप क्या करते हो कि रोड़ा बजड़ी जो भी रहता है उससे भी कॉम्पैक्ट करते हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी मकान बनाने के पहले आपने देखा होगा सॉइल डंप कर देते हैं क्या बरसात के समय, ताकि अच्छे से उसमें नेचुरली कॉम्पैक्शन हो जाए। तो इस सब के बारे में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे, अभी हम लोग डील करेंगे उससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज डील विथ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ये भी बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन।
इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉम्पैक्शन और दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे दैट इज कंसोलिडेशन। तो लेफ्ट साइड में हमने लिखा कॉम्पैक्शन और राइट साइड में मैंने लिखा कंसोलिडेशन। अच्छे से समझते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन भी हमको टॉपिक पढ़ना है, तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको भी देखते हैं। क्लियर। पहला पॉइंट अगर हम बात करें यहां पे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि कैसे इसको डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंपैक्शन, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये ज्यादातर जो होता है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इट इज नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल भी होता रहता है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना जरूर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, मतलब मशीनरी से यूज करते हो तो ये क्या हो जाता है आर्टिफिशियल। कंसोलिडेशन नेचुरली भी होता रहता है, नेचुरली इन द सेंस सपोज दैट कोई ट्री है या कोई भी और स्ट्रक्चर माउंटेन है, माउंटेन की वजह से नीचे की सॉइल में क्या होता है कंसोलिडेशन होता रहता है। कंसोलिडेशन में क्या होता है और कंपैक्शन में क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, इट इज टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना आपका होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ इसको भी थोड़ा समझते हैं। इट इज इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब ये होता है ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब ये 5 मिनट 10 मिनट में आपका कॉम्पैक्शन हो जाएगा। लेकिन भैया जो कंसोलिडेशन होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, मतलब ये आपका बहुत ही टाइम ज्यादा लेता है। तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब है कि सालों भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल एंड लोडिंग ऑन द सॉइल। मतलब टाइप ऑफ सॉइल का मतलब यह है कि भाई सैंड है कि ग्रेवल है कि आपका क्या कहते हैं क्ले है क्या है, उस पर डिपेंड करता है। भाई क्ले होगा तो पानी आसानी से पास नहीं करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वही सैंड होगा या ग्रेवल होगा तो पानी आसानी से निकल जाता है। तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पानी निकलता है और कंपैक्शन में क्या निकलता है, कंपैक्शन में निकलता है आपका एयर। तो यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट वैल्यूम रिडक्शन ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन रिमूवल ऑफ एयर। तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है, बाय अप्लाइंग ऑफ लोड जो वॉल्यूम में रिडक्शन होता है सॉइल के, वो हम लोग क्या करते हैं एयर के रिमूव करने से होता है। लेकिन अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट आएगा वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्सन, एक टेक्निकल टर्म होता है, एक्सपल्सन का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, एक्सपल्सन पानी का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एक्सपल्सन। वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वाइड्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल के वाइड से वाटर जब निकलता है दैट इज कॉल्ड आपका एक्सपल्सन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर कैन बी एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइड ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, कल को ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो आप आराम से इसको डील कर सकते हो। तो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइड ऑफ द सॉइल, यहां पे रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वाइड्स ऑफ सॉइल,
ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे वाइड से ही चीजें निकलेंगी तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसके बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सॉइल ऑलवेज पार्शली सैचुरेटेड, यहां पे जो सॉइल रहेगी सॉइल ऑलवेज, यहां पे अगर मैं बात करूं दैट इज सॉइल ऑलवेज इज पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शली सैचुरेटेड, और यहां पे सॉइल ऑलवेज फुल्ली सैचुरेटेड, यहां पे क्या मानते हैं हम लोग हैं फुल्ली सैचुरेटेड, सॉइल ऑलवेज फुल्ली सैचुरेटेड। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंसोलिडेशन में आप देखोगे कि सॉइल क्या रहेगी फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो वाइड्स हैं खाली स्थान है वो किससे भरा रहेगा, वाटर से, ठीक है, वहां पे एयर नहीं रहेगी। उस केस में जो सॉइल रहेगी वो टू फेज डायग्राम होगा, वन फेज ऑफ सॉलिड वन फेज ऑफ वाटर। और कंपैक्शन में आप देखते हैं, अगर आप बात करें नेक्स्ट बात करें दैट इज दिस इज अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं स्टेटिक प्लस डायनामिक लोडिंग, स्टेटिक प्लस डायनामिक लोडिंग। और यहां पे क्या होता है स्टेटिक लोडिंग ऑन द सॉइल क्या रहता है स्टेटिक लोडिंग ऑन द सॉइल। तो दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में, यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस ने और सिविल सर्विसेज आईएएस में डिफरेंस ही पूछ रखा है कि बताइए कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहां पे डील किया क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया तो फिर आप अच्छा कर जाओगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यही पूछ लेगा कि कंसोलिडेशन में क्या बाहर निकलता है और कॉम्पैक्शन में क्या बाहर निकलता है, तो यहां वाटर निकलता है और यहां एयर निकलती है, तो दोनों में अंतर है, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। यहां पे स्टैटिक लोडिंग रहती है, मान लिया कि आपकी बिल्डिंग है तो स्टैटिक हो जाती है और बिल्डिंग के नीचे की जो सॉइल होती है उससे जो वाटर निकलता है वो विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन निकलता है, दैट इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिक लोडिंग। लेकिन कॉम्पैक्शन में आप क्या करते हो, रैमर को नीचे गिराते हो, इससे क्या हो एक हाइट से डायनामिक लोडिंग करते हो, जैसे आपने टफनेस टेस्ट किया था तो वहां पे भी क्या है कि हम लोग डायनामिक लोडिंग करते हैं तो वहां पे टफनेस हम लोग ज्ञात करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पैक्शन टेस्ट के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे अपने टॉपिक को लेकर के आगे की तरफ और चीजों को डील करते जाएंगे, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बेसिक फंडा को मजबूत करो कि आपको यही पता हो जाए कि कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फिर जाके चीजें आपको बहुत ही अच्छी क्लियर होने वाली है। हम कॉम्पैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, प्रीलिम्स में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन से चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, एक एक बात लिखते रहिए, बाकी जो बातें हम बोल भी जाते हैं कई बार है, कुछ चीजें नहीं लिख पाते हैं, अगर हम सही से कुछ बातें ऐसी भी बोलेंगे और आप उसको नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जो पढ़ाई से मतलब जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम बोल देते हैं कई बार लिखाते नहीं है तो वो भी आप पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक को वहां पे आप कवरअप कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्शन टेस्ट के बारे में, कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है। देखिए कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग दैट इज इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कॉम्पैक्शन टेस्ट में एक सॉइल इंजीनियर जो होता है उसको क्या क्या चीजें जरूरत होती है। देखिए आप सपोज दैट इंजीनियर हो तो आपको कॉम्पैक्शन के लिए क्या डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले ये देखना है कौन सी सॉइल है आपकी साइट पे। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो टेस्टिंग आपको करनी है उसके बीच में ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि भाई कितना पानी मिला दें और ताकि हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाए। ठीक, दूसरी बात कि आपको फील्ड कॉम्पैक्शन पहली बात आपको फील्ड में रिलेट कराना पड़ेगा प्लस लैब में टेस्टिंग करनी पड़ेगी। भाई क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं यहाँ पे,
एक तो आपको फील्ड पे करना है, वहाँ पे तो बहुत बड़ी साइट रहती है, लेकिन वही सैंपल ला करके लैब में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो लैब में आप देखोगे कि डेंसिटी आपको ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, और जब फील्ड में देखोगे आपको डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आप लैब में पा सकते हो। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव कंपैक्शन। रिलेटिव कंपैक्शन नथिंग बट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल ऑन द फील्ड टू द डेंसिटी ऑफ लैब। तो दो चीज़ों का रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉम्पैक्शन। इसके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे, मतलब क्या जरूरी है इंजीनियर के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एक इंजीनियर को डिसाइड करना होता है कि कॉम्पैक्शन कैसे करना है, किस प्रोसेस से करना है, किस सॉइल के लिए करना है, कैसा वाटर के बीच रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग वहाँ पर क्या है रोलर की हेल्प से कॉम्पैक्शन करते हैं, लेकिन जब हमें फिर इसके अंदर टेस्ट करना होता है लैब के अंदर, तो हम लोग लैब में क्या करते हैं रैमर की हेल्प से क्या करते हैं, एक रैमर होता है जिसका वेट 4 kg 5 kg डिपेंड करता है कि कैसा आप यूज कर रहे हो, उससे हम लोग क्या करते हैं कॉम्पैक्शन। तो आइए हम लोग डील करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ सॉइल, दैट इज कॉम्पैक्शन विद कॉम्पैक्शन के बारे में डील करेंगे। Related with compaction, ठीक है, that is compaction, compaction test, compaction test के बारे में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। Soil engineer must select, पहला पॉइंट है soil engineer must select the details of the details of compaction process so as to achieve optimum combination of engineering property desired for the problem at hand at least cost, ठीक है। मतलब ये एक प्रोसेस ऐसा होता है, इंजीनियर मस्ट सेलेक्ट द डिटेल ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोसेस। वो इंजीनियर ही डिसाइड करेगा कि भैया आपको कितने रोलर्स की हेल्प चाहिए, कितने बार आपको रोलर को वहाँ पर मतलब कवर करना चाहिए, एक बार आना चाहिए, चार बार आना चाहिए, वो इंजीनियर डिसाइड करेगा। उसके बाद में आपको एज टू अचीव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मान लिया डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका हाईवे है, क्या है, भैया मान लिया ज़्यादा लोडिंग की उस पर जरूरत है तो अच्छा कॉम्पैक्शन करेगा, ये आपको डिसाइड करेगा इंजीनियर, ठीक है। एंड डिजायर्ड फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड एट लीस्ट कॉस्ट, इसका मतलब ये कम से कम पैसा लगे और आपको ऑप्टिमम प्रॉपर्टी मिल जाए। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा भी जरूरत नहीं है और बहुत लो भी ना हो क्वालिटी, एक बीच में ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि आपका हाईवे अच्छा बन सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी बात दैट इज ऑल्सो कोरिलेट विथ फील्ड कॉम्पैक्शन मेथड एंड लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन मेथड, ठीक है। लेबोरेटरी में भी इसको रिलेट कराना पड़ता है, भैया आपने क्या किया कोरिलेट कराना पड़ता है इसको, दैट इज कोरिलेट कराना पड़ता है आपको। लैब में आपने कैसे किया और उसके बाद में फील्ड में क्या किया, उससे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा है प्रॉक्टर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है,
क्या है? प्रॉक्टर टेस्ट, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज प्रॉक्टर टेस्ट, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज प्रॉक्टर टेस्ट, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग नोट करते हैं। देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप, डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी, डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी, इसके बीच में एक रिलेशन चाहिए। किसके किसके बीच में? एक आपका द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी। डिग्री इसलिए क्योंकि इसमें भी कई क्वालिटी आती हैं, कम ज्यादा भी होता, तो दिस इज कॉल्ड ड्राई डेंसिटी, और डिग्री इसको इसलिए जोड़ते हैं। ठीक है, ड्राई डेंसिटी टू विच सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड, सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दूसरा पॉइंट कह रहा है फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक पार्टिकुलर एनर्जी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ, दैट इज नेक्स्ट बात करता हूं, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी, देयर इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा, देयर इज वन मॉइस्चर कंटेंट टर्म्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसको OMC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OMC, O फॉर ऑप्टिमम, M फॉर मॉइस्चर और C फॉर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच अ पार्टिकुलर सॉइल अटेन्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हर साल क्वेश्चन मिल ही जाएगा। पहले तो मैंने ये देखा कि प्रॉक्टर टेस्ट होता क्या है। प्रॉक्टर टेस्ट कुछ भी नहीं होता है, वो एक डिफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराता है किसके किसके बीच में, मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, ये तो एक फिनोमेना हो गया। दूसरी बात करें, सबसे ज्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो ये है, फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर एनर्जी हो सकती है, देयर इज ए वन मॉइस्चर कंटेंट, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट आएगा, अभी हम डायग्राम को ड्रा करेंगे, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट आएगा जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, और उसी के करेस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आप देख पाओगे द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, देयर इज वन मॉइस्चर कंटेंट टर्म्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच पार्टिकुलर सॉइल अटेन्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो जिस पार्टिकुलर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर
आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है या उस मॉइस्चर को आप क्या कहते हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है उसी के करेस्पॉन्डिंग अगर आप मॉइस्चर कंटेंट देखोगे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम का मतलब समझो, आज मैं बताता हूँ। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है, जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊँ, सपोज आपको भूख लगी है और आपको चार रोटी मिल गई और आपने खा लिया, ठीक। अगर आप चार से कम खाते मान लिया तब भी आप भूखे रह जाते, चार से ज़्यादा खा लोगे तो ओवरवेट हो जाएगा आपका, ज़्यादा खाना हो जाएगा। तो आपको चार रोटी अगर मिल जाए तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उतना उसको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाए ताकि उसकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो अचीव हो जाए। अगर आप इससे कम मॉइस्चर करोगे तब भी उसको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव नहीं होगी, और उससे ज़्यादा अगर आपने क्या कर दिया, मॉइस्चर कर दिया, तब भी उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव नहीं होती। That is called optimum. तो हर जगह पे भी कहीं पे भी जो टर्म यूज होता है optimum, तो optimum का मतलब है ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, that is called optimum, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसको डील किया। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कुछ ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ट्रिपल मार्क करता हूं, दैट इज ट्रिपल स्टार इसको देता हूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है? अब हम लोग इसमें ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यही एग्जाम में पूछ लेगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी के बीच, ये भी ध्यान रखिएगा, ड्राई डेंसिटी के बीच में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो इस चीज को आपको एग्जाम में ध्यान देना है, नॉट वेट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ये सब नई बात होने वाली है। यहां पे जो भी हम डील करेंगे वो हम एक साइड में वाई एक्सेस पे हमको क्या करना है, डेंसिटी को रखना है, और उसके बाद एक्स एक्सेस पे क्या रखना है, मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में क्या है, यहां पे डिफरेंस है, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों के बारे में हम लोग डील करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं देखोगे जेई के जितने पेपर होते हैं कॉम्पैक्शन ऐसा चैप्टर है कि सॉइल अगर पूछा है तो आपको कॉम्पैक्शन में जरूर पूछेगा, चाहे आप डीएमआरसी का एग्जाम देख लीजिए, एलएमआरसी देख लीजिए, कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना आप लोग अदर टॉपिक को टाइम देंगे उतना कॉम्पैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो ये है, इसके बारे में डील करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देयर इज ग्राफ बिटवीन, इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि क्या ग्राफ आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में डील करते हैं। तो ये जो कर्व होता है ये आपको खींचना पड़ता है किसके किसके बीच में, ड्राई डेंसिटी और उसके अलावा आपके पास होता है दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। ये है वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है? क्लियर? यहां पे है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट बोल सकते हो, या वाटर कंटेंट, दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहां पे है ड्राई डेंसिटी गामा डी, जिसको आप बोल सकते हो ड्राई डेंसिटी, ठीक है? तो याद रखिएगा किसके किसके बीच में ग्राफ करना है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो भी वाटर कंटेंट है इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूं, ये सारी चीजें, ठीक? हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल में जब कॉम्पैक्शन करना होता है तो सैंपल को लेते हैं, सारे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा। सॉइल सैंपल ले लिया आपने, सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट भी निकाल लेते हैं, जो भी सॉइल सैंपल लेके आते हैं जिसका कॉम्पैक्शन आपने किया। सपोज दैट आपके पास सबसे पहले मोल्ड होना चाहिए, मोल्ड के बाद में आप उसमें क्या करते हो, एक राइमर होना चाहिए, फिर आप उसको कॉम्पैक्ट करते हो, कई लेयर में कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, और नंबर ऑफ ब्लोज जो है 25 आपको जनरली लेना पड़ता है। तो आपने एक लेयर कॉम्पैक्ट किया, दूसरी लेयर कॉम्पैक्ट किया, फिर तीसरी लेयर कॉम्पैक्ट करते हो, तीन लेयर भी हो सकता है, पांच लेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। फिर क्या करते हैं कि कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट भी नोट कर लेते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो गामा डी होता है, गामा बल्क अपान 1+W होता है, बल्क डेंसिटी तो आप मास अपान वॉल्यूम से निकाल लोगे, ठीक?
या गामा बल्क जो आप निकालोगे दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम से अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, बस जनरल बता रहे हैं ठीक। गामा बल्क आप निकालोगे किससे, वेट अपॉन वॉल्यूम से। वाटर कंटेंट आप ओवन ड्राई से निकाल लोगे तो वहां से ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी। तो आप अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे आप देखोगे कि आपको अलग अलग डेंसिटी मिलेगी। सपोज दैट कि एक मॉइस्चर कंटेंट आपको यहाँ पे मिला तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको जो डेंसिटी है सपोज दैट यहाँ पे मिलती है, फिर अगले पॉइंट पे आप देखते हो कि यहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है, फिर अगले पॉइंट पे आपको हो सकता है यहाँ मिले, फिर एक पॉइंट होगा जो मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद फर्दर क्या होने लगती है डिक्रीमेंट। तो आप देखोगे फ्री हैंड आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आ जाता है ठीक है। इधर की जो लाइन रहती है वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहती है हल्का सा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओएमसी, मैं इसको जो है ओएमसी वन टर्म करके लिख लीजिए, या आप इसको क्या कर सकते हो दैट इज ओएमसी वन की बात करते हैं ठीक। इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड गामा डी मैक्स वन ठीक है। तो गामा डी मैक्स यहाँ पे वन कर सकते हो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, या इसको ऐसा लिख सकते हो दैट इज, इसको अगर एक और टर्म में आप डिनोट करना चाहो तो इसको गामा डी वन लिख सकते हो, गामा डी वन दैट इज मैक्स इसके करेस्पॉन्डिंग। फर्दर आपने दूसरा लिया तो ये एक एनर्जी मान लेते हैं दिस इज द ठीक है स्मॉलर कॉम्पैक्टिव इफर्ट है, सपोज दैट दिस द ई वन, दिस इज द स्मॉलर, दिस द स्मॉलर कॉम्पैक्टिव कॉम्पैक्शन एनर्जी ठीक है, कॉम्पैक्शन इफर्ट मान ले। इस पे आपने क्या किया स्मॉलर कॉम्पैक्शन इफर्ट लगाया, उसके बाद में फर्दर आपने क्या किया एनर्जी को क्या कर दिया बढ़ा दिया। जब आप एनर्जी को बढ़ाओगे तो इससे फर्क पड़ेगा, इससे हो सकता है कि जो अगला पॉइंट आपको मिले दैट इज, हो सकता है कि अगला जो ग्राफ मिले फिर से आपने क्या किया, मान ले जब आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ा दोगे उससे ग्राफ अलग चेंज आ गया है, क्योंकि एनर्जी आपने जब बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि सॉइल के जो पार्टिकल हैं बहुत जल्दी क्लोजर आएंगे आसपास में, उसका जो वाइड है बहुत आसानी से फिल हो जाएगा। जब आप ज़्यादा लोड लगाओगे तो आपको डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उस समय मॉइस्चर कंटेंट आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं देखना पड़ेगा कि जो मॉइस्चर कंटेंट है थोड़ा सा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कुछ ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा, दिस इज द ग्राफ और आप देख पाओगे दिस इज द ग्राफ। तो इसका जो दूसरा पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का, जिसको हम बोल पा रहे हैं दिस इज द पॉइंट, इस तरीके से आएगा दिस इज द दिस ठीक है। तो इस पे आप देखिए दिस जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इसको ओ एम सी टू बोलूँगा ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट टू ओ एम सी टू। अब ये मॉइस्चर कंटेंट आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट दिस इज 10%, सपोज दैट 20%, 30%, 40%। तो आप देखो सपोज दैट कि ये मान लेते हैं कि ये 20% है, लेकिन ये ओ एम सी टू अगर आप देखोगे तो ये कम हो गया। कम का मतलब ये है कि 10% हो सकता है, 10 के बीच में 18% या 20%, लेकिन जो डेंसिटी है गामा डी टू दिस इज द मैक्सिमम, गामा डी टू मैक्स ये ज़्यादा मिल जाएगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ा दोगे, ये मान लेते हैं जो एनर्जी है ई टू ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ई टू जो है लार्जर कंपैक्टिव इफर्ट, लार्जर कंपैक्शन इफर्ट ठीक है। इससे ये पता चल गया कि जब आप एनर्जी बढ़ाओगे तो उसका जो है ड्राइंग डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में हैं, यही पूछ लेगा कि आप बताइए कि इसमें अगर आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ा देते हो तो आप बताइए ड्राइंग डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ऐसे बनाएगा कि इफ द कंपैक्शन एनर्जी इज इंक्रीजेस देन द डेंसिटी इंक्रीजेस एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस। गलत, डेंसिटी इंक्रीजेस बट मॉइस्चर कंटेंट इज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज डिक्रीजेस। आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए आपका यूज करना जरूरी। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे एक लाइन होती है इसी के पैरेलल, जिसको बोलते हैं जीरो एयर वाइड लाइन, इस तरीके से ये इसी के पैरेलल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एयर वाइड लाइन ठीक है, और 100% सेचुरेशन लाइन, दोनों सेम होते हैं ठीक है। तो जीरो एयर वाइड लाइन एंड 100% सेचुरेशन लाइन बोथ आर सेम। अब इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, बहुत आगे टॉपिक में आएगा जिसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये। इस अभी तक के लिए आपको ये जानना है कि जो जीरो एयर वाइड लाइन होती है और 100% सेचुरेशन लाइन होती है, दोनों क्या होती है सेम। अब मैं एक थोड़ा सा फार्मूले के थ्रू चलता हूँ। गामा डी इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था 1 माइनस ईटा ए
into g gamma w divide by 1 plus g w। ठीक है, मैंने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जब वहां पे हमने डेंसिटी पढ़ा था तो वहां पे एक टर्म आया था ये वाला परसेंटेज एयर वाइड जी गामा डब्ल्यू इंटू वन प्लस जी डब्ल्यू। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, सपोज दैट आपने पढ़ा था जो हमारे पास एयर कंटेंट का फार्मूला था, वन माइनस क्या होता था, एस होता था। अगर आप 100% सेचुरेशन मानोगे, दिस इज वन आएगा, तो आप देखोगे दिस इज 100% सेचुरेशन, 100% सेचुरेशन अगर आप मानते हो तो फ्रेंड्स जो एयर आएगा यहाँ पे एयर कंटेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एस यहाँ पुट करोगे, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब एयर कंटेंट की जीरो हो जाएगी तो ईटा एज कल तो हमने पढ़ा था एन टाइम क्या पढ़ा था, ए सी। जब ए सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप क्या लिख पाओगे, पोरोसिटी इंटू जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द जीरो। तो इस तरीके से ईटा परसेंटेज एयर जो आपका परसेंटेज एयर वाइड है वो जीरो हो गया। जब आप यहां जीरो पुट करोगे तो फार्मूला क्या आएगा, जी गामा डब्ल्यू, दिस इज द जीरो अगर आप पुट करोगे तो आएगा वो जी गामा डब्ल्यू अपान वन प्लस जी डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम लोग यूज यहां पे फार्मूला करते हैं। ठीक है, तो गामा डी का फार्मूला आ गया दिस। तो कंपैक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहां पे डील करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गामा डी जो मैक्सिमम है यहाँ पे, इसको भी अगर मान लो यहाँ पे करोगे तो ये गामा डी मैक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे जीरो एयर वाइड लाइन आती है उसी करेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें कि जो यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ गामा डी जो मैक्स है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है। पहला अगर मैं बात करूँ कॉम्पैक्शन इफर्ट इसका फंक्शन होता है, मतलब इससे ये चेंज होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंड टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट अगर बात करूं ग्रेड ऑफ सॉइल, ग्रेड का मतलब वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ग्रेड ऑफ सॉइल। नेक्स्ट बात करूं क्ले मिनरल। ठीक है, तो टाइप आप यहां पे लिख दीजिएगा टाइप ऑफ क्ले मिनरल, इस तरीके से आपको ध्यान देना। तो गामा डी जो फंक्शन है किस किस चीज का, कि आपने कॉम्पैक्शन इफर्ट क्या लगाया, देखिए यहां पे चेंज कैसे हो रहा है, ये कम लगाया तो आपको डेंसिटी कम मिलेगी, लेकिन कॉम्पैक्टिव जो इफर्ट है वो आप ज्यादा कर दोगे तो आपको जो है वहां पे आपको गामा डी मैक्सिमम भी आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में आप कैसे कर रहे हो, ठीक हैवी वेट से कर रहे हो, लो वेट से कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो, रोलर कर रहे हो, वाइब्रेटर कर रहे हो, किससे यूज कर रहे हो, रैमर यूज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ सॉइल, ग्रेवल है, सैंड है, क्ले है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें ग्रेड ऑफ सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, उस पर डिपेंड करता है। क्ले मिनरल अगर क्ले में प्रेजेंट है तो उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, कुछ एक नोट पॉइंट करके मैं लिखता हूं यहां पे, दैट इज नोट पॉइंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेट कराते हैं। नॉर्मली टिपिकल वैल्यू ऑफ गामा डी मैक्स इज, ज्यादातर इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड्स 16 से लेके 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में लाई करती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गामा डी मैक्सिमम कहां से मिलता है, 16 से 20 के बीच। नेक्स्ट अगर बात करें एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, ओएमसी जो होता है, वो होता है 10-20% के बीच में। ठीक है, 10-20% अगर हम मिलाते हैं तो उसी के बीच में आपको ये वैल्यू मिल जाती है। तो मैंने ग्राफ भी ऐसा कुछ प्लॉट किया था जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहां पर बात की। अब हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, इससे रिलेट कराते हुए कि अगला जो टॉपिक हमारा है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे डील करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेट करता है कि अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के कॉम्पैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, उससे डील करेंगे। तो फ्रेंड्स इस लाइन को आपको ध्यान देना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, गामा डी मैक्स का जो फार्मूला है और 100% जो सैचुरेशन लाइन होती है, और जो 100% सैचुरेशन लाइन है और जीरो एयर वाइड लाइन है, दोनों जो है वो सेम है। ठीक है, और बाकी हम अभी इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, आगे आपका पॉइंट आएगा जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से हम बात करते हैं कि जो है कॉम्पैक्शन हमने किया
उस कॉम्पैक्शन में हमारा जो फंक्शन है, मतलब हम कौन कौन सी चीज़ों को डील कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड विद द हेल्प, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज करोगे, प्लस उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कितना वेट रखेंगे, कितनी हाइट रखेंगे, कितनी बार उसमें लेयर में फिलअप करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज कितने देंगे, सबके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबको अलग अलग करके हम लोग यहाँ पे सीखना है उसको डिटेल में थोड़ा सा, दैट इज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी इसने पूछ रखा है कि कितना वेट का आपको इंडियन स्टैंडर्ड में यूज करना है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, ये सबके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डील करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ, रिलेट कर रहे हैं हम लोग हैं कि सबसे पहले जो फील्ड कंपैक्शन फंक्शन होता है उससे हम लोग क्या है थोड़ा सा रिलेट कराते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंड्स ये है कि टेस्टिंग करना है तो उसके पहले एक बात जानना जरूरी है कि जो फील्ड कॉम्पैक्टिव इफर्ट होता है, फील्ड कॉम्पैक्टिव इफर्ट, इट इज द फंक्शन ऑफ, जानना जरूरी है टाइप ऑफ रोलर। देखिए फील्ड में टाइप ऑफ रोलर की जरूरत पड़ने वाली है, टाइप ऑफ रोलर, उसके बाद में वेट एंड कवरेज ऑफ रोलर, वेट एंड कवरेज ऑफ रोलर, ठीक है, फिर नंबर ऑफ पासेस, फिर कॉमा नंबर ऑफ पासेस, कितनी बार रोलर एक से स्थान से दूसरी साइड में आ रहा है, दैट इज पासेस। ठीक है, ऑन अ गिवन सॉइल सैंपल, ऑन अ गिवन सॉइल सैंपल, ठीक है, देखिए सिविल इंजीनियर्स अगर आप हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ पासेस कितने देने हैं। कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो पैसा बचा लेते हैं, ठीक है, इंडिया में क्या करते हैं कि ये पासेस जितना दोगे उतना भाई गाड़ी में तेल लगेगा, रोलर में तेल उतने ज़्यादा खपत होगी, तो कई लोग क्या करते हैं कि उसको पासेस कम करा देते हैं। मान लिया आपको 20 चक्कर लगाने थे, आपने 10 लगवा दिए, बाकी तेल बच गया, तो ऐसा करते लोग हैं फील्ड पे, और कॉम्पैक्शन अच्छा होता नहीं तो रोडें खराब हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगर है दैट इज लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन, लेबोरेटरी कंपैक्टिव, लेबोरेटरी कंपैक्टिव इफर्ट, ये किसका फंक्शन होता है। देखिए अब लैब की बात आ गई, दिट इज द फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन होता है, मास ऑफ रैमर होता है, मास ऑफ रैमर, हैमर नहीं ये रैमर है, रैमर अलग रहता है, हैमर अलग रहता है, फिर हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ रैमर, हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ रैमर, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है रैमर, फिर नंबर ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है, उसके बाद में टू फिल मोल्ड, नंबर ऑफ लेयर टू फिल अ मोल्ड, मोल्ड को भरने में कितनी लेयर चाहिए इस पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ड्रॉप इस पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप पर लेयर, पर लेयर, नंबर ऑफ ड्रॉप पर लेयर एंड वैल्यूम ऑफ मोल्ड, एंड वैल्यूम ऑफ मोल्ड, इन सब सारी चीजों पे क्या करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बन के आता है, जनरल फार्मूला, इज इक्वल टू मास ऑफ हैमर इंटू हाइट ऑफ ड्रॉप इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटू एन लेयर, ये एक जनरल फार्मूला है, एन लेयर इंटू एन ड्रॉप पर लेयर डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ मोल्ड, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो आंसर आता है वो किलो जूल पर मीटर क्यूब में आता है, मीटर क्यूब क्योंकि वैल्यूम पर यूनिट मोल्ड निकालें। देखिए मास m क्या है, यहाँ पे जो रैमर है उसका है, h हटा दीजिए, यहाँ पे रैमर कर दीजिए r, तो जो मास या वेट है रैमर का उससे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो वेट भी करना चाहते हो वेट भी लिख सकते हो, मास चाहो तो मास, लेकिन हमने जी का मल्टीप्लाई किया है इसलिए यहाँ पे मास ही रहेगा। अगर आपको वेट लिखना है तो आप एम जी को जोड़ करके डब्ल्यू भी लिख सकते हो,
एच वो हाइट है जो कहाँ से वो फॉल करते हैं, हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ फ्रेमर, कितनी हाइट से हम रैमर को गिरा रहे हैं, दैट इज डिपेंड करता है। फिर नंबर ऑफ लेयर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लेयर में आपको भरना है। फिर ड्रॉप पर लेयर की प्रत्येक मतलब जो लेयर भरते आप जा रहे हो मोल्ड के अंदर, उसका जो हाइट है वो हर बार कितना है उस पर डिपेंड करता है। डिवाइड बाई मोल्ड का जो वैल्यूम है उस पर डिपेंड करता है, भाई मोल्ड का वैल्यूम कम ज़्यादा होगा तो उस पर भी आपका डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में डील करते हैं। पहला जो है हमारा, एक एक करके बात करेंगे कि स्टैंडर्ड, देखिए सबके बारे में लिखूंगा मैं तो सबको डिफ्रेंशिएट करके रखना है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के जो हाइट क्या होती है, उसका वेट क्या, रैमर क्या होता है, ऐसा पूछा है। तो पहला मैं बात करता हूँ वेट ऑफ रैमर, वेट ऑफ रैमर ये जो होता है फ्रेंड्स लगभग आपका दिट इज 2.495 केजी के आसपास होता है। तो वेट ऑफ जो रैमर होता है वो 2.495 केजी होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। हाइट ऑफ फॉल जो है, हाइट ऑफ फॉल जो है फ्रेंड्स वो जो लाई करती है, हाइट ऑफ फॉल जो होता है वो 12 इंच होती है, 12 इंच को इसने लिख रखा है 304.8 mm, 305 mm मान सकते हो। फिर है वैल्यूम ऑफ मोल्ड जो रहता है, वैल्यूम ऑफ मोल्ड जो है फ्रेंड्स वो कितना रहता है, वैल्यूम ऑफ मोल्ड जो है वो 944 सीसी है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, इसको ये लिख सकते हो, सीसी बोलो या इसमें बोल सकते हो। फिर कॉम्पैक्टेड इन, नेक्स्ट मैं बात करूं दैट इज कॉम्पैक्टेड इन थ्री लेयर में रखना है इसको विथ 25 नंबर ऑफ ब्लूज इन ईच लेयर, प्रत्येक लेयर में आपको क्या करना, तीन लेयर में बनाना है तो एक लेयर आपने भर दिया तो उसके ऊपर से 25 नंबर ऑफ ब्लूज आपको देने, फिर एक लेयर भरा फिर उससे 25 नंबर ऑफ ब्लूज दिया, फिर एक लेयर भरा फिर 25 नंबर ऑफ ब्लूज दिया, तो इस तरीके से मोल्ड को फिल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से जब एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, सपोज दैट इवन है तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए सबको, 25 से आपने एक लेयर में 25 में पुट किया तो 25 गुणे 3 मैंने कर दिया, क्योंकि तीन लेयर में आपने 25 दिया 75 दे दिया तो 25 इंटू 3 हो गया। हाइट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में 0.3048 मैंने, क्योंकि सारे यूनिट जो डेटा रखना है किलो जूल मीटर क्यूब में रखना है तो एमएम को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया मीटर में, इंटू जो वेट है उसको मैंने लिख दिया 2.495 लिख दिया, इंटू 9.8 कर दिया, यहां से आपका वैल्यू आ गया। और मोल्ड का साइज जो है वो 944 है, 10^-6 कर दिया, -6 इसलिए कर दिया सीसी में था मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से आता है लगभग 592, इसको याद रखना है 7 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो कि आपका यही फार्मूला लगा है, कोई अलग फार्मूला नहीं लगा है, क्या क्या है, मास है, एच है, जी है, एन लेयर है, ड्रॉप पर लेयर है, उसके बाद में मोल्ड का साइज लिख दिया। तो आपको ध्यान देना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि कितना वेट का रैमर है, तो टू पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं अभी, मैंने मॉडिफाइड की बात नहीं की है, तो दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। तीन लेयर में भरना है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादातर चेंज नहीं होता, सब केस में 25 रहते हैं, लेकिन हाँ लेयर चेंज हो जाती है, 3 की जगह 5 हो जाएगा, वो सब हम देखेंगे अभी। हाइट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हाइट चेंज करने से क्या होता है, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा वर्क डन का, MgH होता है, ठीक है, यह एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, कोई हाइट से अगर कोई गिरता है, बॉडी गिरता है, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो MgH होती है, तो H जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी, जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चीजों को सीख पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। हर एक पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिएगा कि इसको कहीं ना कहीं स्किप कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश करिए सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो जाए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है वो ये है दैट इज रिलेटेड विद द मॉडिफाइड्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या एग्जाम में आपको बस पहचानना यही होता है कि मॉडिफाइड के बारे में पूछा है कि ऐसे जनरल बात किया है, तो दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है फ्रेंड्स, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चीज़ों के बारे में, तो अभी तक हमने जो डील किया, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, तो सेकेंड नंबर है दैट इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट,
मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, मॉडिफाइड मतलब कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई किया गया होगा, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। वेट ऑफ रैमर देखो यहाँ पे चेंज हो गया, वेट ऑफ रैमर ये चेंज हुआ, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि मॉडिफाइड के बारे में बात किया कि उसके बारे में बात किया। इसका वेट होता है 4.54 kg होता है, ये याद रखिएगा। फिर हाइट ऑफ फॉल भी चेंज हो गई, हाइट ऑफ फॉल वो चेंज हो गई, ये कितना हो गया है फ्रेंड्स 18 inch। इसकी बात करें इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, दैट इज 457.2 mm में कन्वर्ट कर लिया। एक इंच बराबर 2.54 cm होता है, आप चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ जो मोल्ड होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होता है वो कितना रखते हैं लोग, दैट इज 944 cc। वॉल्यूम को इसने चेंज नहीं किया, वॉल्यूम उतना ही रखा, कुछ ना मॉडिफाई कर देते हैं। फिर कॉम्पैक्टेड आपकी 5 layer में बना दिया, देखिए मॉडिफाइड में कुछ तो चेंज किया, कॉम्पैक्टेड इन 5 layers, 5 layer विथ 25 number ऑफ ब्लोज। देखिए भैया 5 layer में बदलोगे डेंसिटी बदल जाएगी इन ईच लेयर, अभी तक 3 layers में भरा था, 5 layer में भरोगे ईच लेयर, क्योंकि जितना लेयर में भरोगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। तो जो एनर्जी है इसको मैं E2 से डिनोट कर रहा हूँ, तो 25 × 5 मैंने कर दिया क्योंकि अब 125 number आप ब्लोज लग जाएंगे। दूसरी मैं बात करूँ तो इसका जो भी है, दिस इज द हाइट 4.572 × 4, जिसको वेट है 4.54 × 9.81, और मोल्ड का साइज जो भी आपने माना था 9.44 cc माना है, -6 कर दिया, तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है लगभग 2696.30 kJ/m³। तो इस तरीके से आप एनर्जी E2 निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों के रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आया, कितना ज़्यादा आया तो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना आप देख सकते हो कि आपका जो कर्व है उसी हिसाब से बनेगा। मैंने एक ग्राफ में बनाया था E1, एक बनाया था E2, तो आप देखो E2 ज़्यादा हो गया, जब E2 ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखोगे कि उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के बारे में डील करेंगे। अभी तक जो हमने डील किया, अभी पिछले बारे में हमने बात किया था जो है आपका मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डील किए थे। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन के बारे में डील करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड है, तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो विदेश में यूज़ की गई हैं उस पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ये लोग कर देते हैं, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वेट ऑफ प्राइमर जो है वो 2.6 kg है, लेकिन हम वहाँ पे जब यूज़ किए थे तो वहाँ पे जो प्रॉक्टर टेस्ट यूज़ किए थे तो वहाँ पे हमने लिया था 2.54 के आसपास वेट था वहाँ पे। उसके बाद में हाइट ऑफ फॉल यहाँ पे 310 है, वहाँ पे हमने लिया था कितना, 304.8 mm। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ जो मोल्ड है वो आपका 1000 cc है, वहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया था वो 944 cc लिया था। उसके बाद कॉम्पैक्टेड इन लेयर 3 layer यहाँ पे है, 25 number ऑफ ब्लोज है, वहाँ पे भी हमने 3 layer एंड 25 number ऑफ ब्लोज लिए थे इन ईच लेयर। उसके बाद में अगर हम बात करें फार्मूले की सहायता से, अगर हमने MgH फार्मूला लगाएं, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ से आप जो है एनर्जी निकाल सकते हो, दैट इज़ MgH से, तो आपका एनर्जी जो निकल के आता है वो 593.0 kJ/m³। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हैवी, ये जो हमने बात किया ये लाइट वेट है, लाइट वेट का मतलब थोड़ा हल्का होना, दिस इज द लाइट वेट, तो इसके बारे में हमने डील किया। अब जो हम डील करेंगे वो है हैवी वेट, तो हैवी वेट के बारे में अगर हम डील करें तो हैवी वेट में क्या है कि इसका जो वेट ऑफ रैमर है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे 4.9 kg ले लिया, पहले जो हमने यहाँ पे हैवी के केस में लिया था मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में आपका वेट था 4.54 kg, अब यहाँ पे आपने कितना किया 4.9 kg, तो डिफरेंट आपका है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में बात कर रहा है या इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग की बात कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस करके आपको रखना है, डेटा में कन्फ्यूज नहीं होना है। हाइट ऑफ फॉल 450 है, यहाँ पे हमने कितना लिया था 457.2 mm, मतलब हाइट ऑफ फॉल हमने इंडियन स्टैंडर्ड में क्या कर दिया, कम कर दिया, वेट बढ़ा दिया, हाइट क्या कर दिया, कम कर दिया। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है उसको हमने क्या कर दिया, हमने वॉल्यूम ऑफ मोल्ड को भी बढ़ा दिया, 1000 cc कर दिया, पहले हमने कितना लिया था 944 cc। फिर कॉम्पैक्टेड इन 5 layer वेट
25 नंबर ऑफ ब्लोज इन ईच लेयर। मतलब कि ये कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो जनरल टेस्ट होता था इसमें 3 लेयर लेते हैं, लेकिन जब भी हमने हैवी में किया तो नंबर ऑफ जो भी ब्लोज हैं वो 25 लेंगे, लेकिन लेयर आप 5 बनाएंगे। एक लेयर कॉम्पैक्ट किया 25 नंबर ऑफ ब्लोज, दूसरी लेयर बनाए फिर 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए, फिर तीसरी लेयर बनाए फिर 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए, और चौथी लेयर जब बनाए तो फिर से हमने क्या किया 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए, फिर से पाँचवीं लेयर बनाई जो कि आखिरी लेयर होगी, फिर से हमने कितने दिए 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 × 5 125 नंबर ऑफ ब्लोज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया था 25 × 5, फिर ये है आपका वेट और ये है जी 9.8 और हाइट है 450 mm, उसको मैंने मीटर में लिख दिया। फिर 1000 मोल्ड का साइज का जो वैल्यूम है 1000 सीट सी और उसको 10⁻⁶ हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो ये सीसी में निकल के आ गया। तो यहाँ से अगर आप E2 कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी निकल के आती है हैवी के केस में 2703.88, 2703.88 इसकी क्या आती है किलो जूल पर मीटर क्यूब, और लाइट में आपने जब किया था तो 593.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब। अब दोनों का रेशियो एग्जाम में कई बार बहुत बार पूछा है कि ये पूछ लेता है कि हैवी और लाइट वेव में जो रेशियो होता है वो लगभग कितना आता है, चाहे आप प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर लो और चाहे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करोगे, लगभग रेशियो जो है 4.56 आता है, और इसमें भी जब आप रेशियो निकालोगे तब भी आपका जो आंसर आता है वो 4.56 आंसर आता है। तो कई बार आपको एग्जाम में यही आंसर मिल जाएगा कि इसका रेशियो कितना होता है, कई बार ऑप्शन में 2 दिया होगा, किसी में 3 दिया होगा, किसी में 3.56 होगा, किसी में 4.56 होगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करें एनर्जी का क्या फर्क पड़ता है, इसको हम ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर आप हम इसको रिलेट करें, इस साइड में मैंने ड्राई डेंसिटी की बात किया था और यहाँ पर हमने क्या बात किया था, दैट इज वाटर कंटेंट। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी का ग्राफ हमको मिला था कुछ इस तरीके से मिला था, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये 1 OMC1 और ये जो डेंसिटी है अगर आपको देखोगे दिस इज कॉल्ड OMC2। तो आप देखोगे इस पे एनर्जी सपोज दैट E1 है, दिस इज द E2 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द E2 इज ग्रेटर देन E1 है। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गामा डी जो मैक्स, गामा डी वन अगर मैक्स की बात करूँ, दूसरा है गामा डी दैट इज गामा डी टू मैक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना कॉम्पैक्शन एनर्जी आप बढ़ाते जाओगे उसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गामा डी टू मैक्स आएगा वो ग्रेटर आएगा किससे, गामा डी टू मैक्स ग्रेटर देन गामा डी वन मैक्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी बात जो मॉइस्चर कंटेंट की बात करूँ तो OMC1 इज ग्रेटर देन OMC2। मतलब ये कि अगर आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपकी मॉइस्चर कंटेंट, आप देखिए यहाँ पे जब आप E1 के लिए देखोगे, गामा D1 के लिए देखोगे तो मॉइस्चर कंटेंट इस पर ज़्यादा आएगी, लेकिन कॉम्पैक्शन एनर्जी जब बढ़ा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका डेंसिटी तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे क्वेश्चन IES गेट बहुत सारे कई बार पूछे गए, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसका ग्राफ टॉप पे रहेगा, 4 ग्राफ बना देगा, फिर पूछ लेगा कौन सा इसमें ग्राफ मॉडिफाइड टेस्ट का है, हैवी का है या लाइट का है, तो वो भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर रिमेंबर करना जरूरी है। और एक बात और बता दें कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि एग्जाम में IES के अकॉर्डिंग पूछा है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछा है कि यहाँ पे प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहा है कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहा है, सब में डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। डिफरेंस कैसे है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ज़्यादातर जो डिफरेंस किया गया है वो सबसे ज़्यादा या तो वेट में किया गया, या तो हाइट, या तो वैल्यूम, बाकी नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। 3 लेयर इसमें भी किया था, 3 लेयर वहाँ पर भी किया, 5 लेयर हैवी में भी किया, 5 लेयर वहाँ पर भी किया। जो मेन डिफरेंस हमारा है वो किस में है, वेट में उन्होंने चेंज किया, हाइट में चेंज किया, और आपका मोल्ड का जो वैल्यू मैं एक जगह 944 लिया था, यहां पे 1000 लिया। तो इंडिया में कितना लिया, 1000 सीसी लिया, और बाकी प्रॉक्टर ने जो किया था वो 944 सेंटीमीटर क्यूब लिया था। हाइट वहां पे अलग था, कुछ 304 था, यहां पे हमारा 310 है, और वेट जो है वहां पे 2.45 के आसपास था, यहां पे 2.6 है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड यूज किया गया है उसमें आपको हाइट भी ज्यादा रखनी है, उसके अलावा आप देखोगे कि हाइट के साथ साथ क्या है, वेट ज्यादा है। तो इंडियन स्टैंडर्ड में आपको ध्यान देना है कि वेट में क्या है, ज्यादा है, वेट में ये लोग ज्यादा यूज करते हैं 2.6, और आप देखोगे दैट इज 4.9। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने टॉपिक को लगभग कंप्लीट किया, और ये कॉम्पैक्शन का अभी एक पार्ट है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे का भी पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, बेसिक फंडा हमने क्लियर किया, आगे का हम लोग टॉपिक क्या है कि कवर करेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग इतना ही कवर करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ
थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।